नमस्कार साथियों, बिहार सिविल कोड की परीक्षा तिथि का वेट कर रहे छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, आप सभी की परीक्षा तिथि जारी। जितने भी हमारे बिहार सिविल कोड के परीक्षा तिथि का छात्र वेट कर रहे थे, उनके लिए अभी जारी हो चुका है एक नया नोटिस। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए, अंत तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, क्योंकि बिहार सिविल कोड परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आप सभी को सबसे पहले अपडेट की जाती है। दोस्तों गूगल पर जाकर सर्च करें बिहार सिविल TMBU। जैसे ही आप लोग बिहार सिविल TMBU सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। बिहार सिविल कोड की परीक्षा तिथि हुई जारी। जी हां दोस्तों, आज की ये काफ़ी बड़ी नोटिस हमारे उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार की सिविल कोड की परीक्षा तिथि का वेट कर रहे थे। आपको बता दें, अब 10 दिन पहले आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो अब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाला है। और आपके लिए एक और काफ़ी बड़ी नोटिस आ चुकी है। अगर आप भी बिहार पुलिस की परीक्षाओं का वेट कर रहे थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप लोग जाकर जरूर इसको डाउनलोड कर लें, पढ़ें फिर। और आपको बता दें, इस बार बिहार की सिविल कोड की परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि इस बार समय सीमा और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको चेंज हुआ देखने को मिल सकता है। बिहार में इस समय कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके थे, जिसके बाद से ही जितनी भी परीक्षाएं अभी करवाई जानी है उनको ऑनलाइन माध्यम में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये भी एक विचार चल रहा है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा साबित हो सकता है बड़ा फैसला। साथ ही साथ आपको बता दें, परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइन भी आ चुकी है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार सिविल कोड की जो परीक्षाएँ हैं, अपडेट आई है कि 5 अप्रैल 2024 तक बिहार में सिविल कोड की परीक्षाओं को अब शुरू किया जा सकता है। अप्रैल और मई के महीने में पूरे जितने भी परीक्षाएं रुकी हुई सभी परीक्षाओं को फाइनल करके इनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जुलाई तक ही खत्म किया जाना है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जितने भी हमारे बिहार सिविल कोड के छात्र हैं, 10 दिन पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है वो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है।